तो भाइयों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड धड़ल्ले पे। तो आज हम बनाएंगे कार्बाइड गन। तो इसके लिए हमें एक खाली जो मजबूत बोतल हो, ये मैंने माजा की बोतल ली है, छोटी वाली जो 25 रुपए की आती है, ये वाली एकदम बोतल इसके लिए एकदम सही रहेगी। और एक लकड़ी का टुकड़ा जिसके ऊपर मैंने देखिए दो यहाँ पे ऊपर छेद और एक बीच में यहाँ पे ऐसे छेद किया है, और फेविक्विक और एक सॉलिड वाला जो एक एक तार ही होता है कॉपर का, वो वाला अपन को लेना था, ऐसे दो होता है और एक लाइटर। तो चलिए अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लकड़ी लेंगे। लकड़ी लेने के बाद इस लाइटर को खोल, लाइटर को खोल दिया। अब इसके अंदर से अपन को ये चीज चाहिए। ये चीज होने के बाद अब हम जो हमारे ये वाले तार है इसको पहले बड़े करेंगे। तो इसको सबसे पहले आगे से निकाल देंगे, इसका एक कोटिंग। तो अब अपन को देखना जो हमारे ये लाइटर है जिसके ऊपर हमने ये यहाँ पे तार बांधा है, अब इसको अपन इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर पहले थोड़ा ग्लू गन डाल देंगे। अब इस तार को चिपकाने के लिए थोड़ा यहाँ पे भी ग्लू गन डाल देंगे। देखा अभी अपन का यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। अब इसके बाद में बोतल की बारी है, तो बोतल लेके, बोतल में जब अपन चलाते हैं ना उसके बाद में आपको पूरा सिस्टम बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ी ग्लू गन डाल दिए। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने जो पहले ग्लू गन लगा दी थी इसे के ये मजबूत हो गए, और इसके ऊपर एक और तार बांध के अपन ने अच्छी तरह से मजबूत कर दिया। यहाँ पे अपन का ट्रिगर हो गया, और जैसे ही आप देख के, अब जैसे मैं यहाँ पे ये चलाता हूँ तो अभी देखिए स्पार्क होगा अंदर। ये थोड़ा कॉपर का वायर है, अब देखना देखिए यहाँ पे स्पार्क होता है। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो हमारा यहाँ तक काम पूरा हो चुका है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा वायर था वो काट दिया। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पे ये दो वायर रह चुके हैं यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन एक छेद करेंगे। ये हमने यहाँ पे छेद कर दिया, तो अब क्या करेंगे इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और फेविक्विक लगा देंगे इसके ऊपर। ये जो यहाँ पे ये छेद खुला है तो इसके ऊपर अपन डालेंगे बेकिंग सोडा, और इसके ऊपर डालेंगे फेविक्विक। तो भाइयों अपन ने जो ये गन बनाई थी पूरा आपको पूरा सिस्टम बताइए, यहाँ पे लाइटर का लगा हुआ है। और इसके लिए एक और चीज़ चाहिए कि ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, जो ऑटोमोबाइल्स की शॉप होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जब पानी डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनती है, तो वो बहुत ज्वलनशील गैस होती है। तो बस इसी का अपन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखिए सबसे छोटा कोई टुकड़ा होगा, हाँ ये इतने से भी अपन का काम हो सकता है। तो ये इतना सा लेंगे और अब इसको इसके अंदर डालेंगे। तो ये यहाँ पे अंदर आ चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका टुकड़ा आ चुका है। अब इसके अंदर अपन पानी डालेंगे थोड़ा। तो अब इसके अंदर ये, तो ये देख सकते हैं अब इसमें यहाँ पे गैस बननी चालू हो गई है। ये देखिए झाग दिख रहा है आपको, अब देखिए 1 2 देखा कितनी खतरनाक आवाज़ थी इसकी।